खबर सांवेर से है, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे हैं जनता के बीच और मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर जो नाराजगी लोगों के मन में है वो पटवारी को देखकर जुवा पर आ गई। स्थानीय लोगों ने जमकर सिलावट के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं कांग्रेस की जय किसान ऋण माफी योजना को चुनाव के पहले दोबारा शुरू करने के लिए भी स्थानीय लोगों ने मांग की। फिर से पूछूंगा, 2 लाख रुपया ना तक को किसान ना कर्जो माफ होना चाहिए कि नहीं? अगर यो तुलसीराम सिलावट चुनाव पिछली सरकार में भी थो और इन्हीं सरकार में भी है, अगर यो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो इनका गांव में घुसना था ना कहीं? तुलसीराम सिलावट 2 लाख रुपया तक को कर्जो पिछली सरकार में भी थो, इन्हीं सरकार में भी है, तो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो अपन धाम में घुसना दागा कहीं? ये भैया सब दूर तुलसीराम सिलावट तक पहुंचा देना है, जीतू पटवारी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं, बीजेपी की भी नहीं है, जो किसान ना की बात है। 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं होगा, किसान लठ लीनुबिया है, ध्यान रख। आदमी पूरी जिंदगी देखी, नरा लोक ना आया, नरा विधायक आया, नरा चुनाव आया और नरा हरी गया, नरा जीती गया, नरा का तब ना आशीर्वाद दे दो कल्याण भी, और जो नहीं आप आए उनको री भी जो नारा री भी क्या सही है गलत जैसे मौज मालिक की हमारा तमने बता चुनाव में आशीर्वाद दिया मैंने वोट लिया पर वो चुनाव जीती क्यों और फिर मैं क्यों कि भैया 50 करोड़ रुपया तो ली लिया मैंने ली लिया और हूँ पाछो भी की क्यों और पाछो चुनाव लड़ना ही कहीं जो न्याय है ऐसा आदमी का हराणु चाहिए कि नहीं हराणु चाहिए पक्को कोई काम को ये देखी लो कहीं के दादी ने ये जिन्हें पैसा लिम बिकियो का हराणु चाहिए पैसा लिम बिकियो को कहीं करना चाहिए हराणु चाहिए पैसा लिम बिकियो को कहीं करना चाहिए हराणु चाहिए पैसा लिम बिकियो को कहीं करना चाहिए हराणु चाहिए यो किने क्यों दाजी ने बस यह बात समझ लो दाजी एक बार तम बिकी दो ना एक बढ़िया बात कि पैसा लिम बिकियो का हराणु तो पैसा बिकियो का हराणु मुंह खोलियो और झूठ बोलो फिर सर तुलसी सिलावट ना मुंह खोलियो और खबर भारत वर्ष के लिए भरत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।